राधे राधे हरे कृष्णा कैसे हो आप सभी लोग आशा करती हूँ आप सभी मंगल में हो, हो, हो भगवान के ऐसे, ऐसे परम भक्त हुए हैं ना हिंदू ही नहीं मुसलमान भी भगवान के परम भक्त हुए हैं क्योंकि हमारे बिहारी जी हमारे कन्हैया जी हैं ही इतने सुंदर कि जो एक बार इनको देख लेता है ना वो सम्मोहित हो जाता है क्या आप लोग जानते रस खान का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा आज मैं आपको काले खां की स्टोरी बताने जा रही हूँ काले खां की सत्य घटना बताने जा रही हूँ आपने मदन मोहन जी का मंदिर तो देखा होगा याद नहीं आया मदन मोहन जी का अरे वही मदन मोहन जी का मंदिर जिसमें सोने का कलश हुआ करता था किसी टाइम पे लेकिन अभी वो मदन मोहन जी के मंदिर तो है वृंदावन में श्री धाम वृंदावन में बहुत ऊंची चोटी पर है मंदिर बिहारी जी जैसे मंदिर से थोड़ा सा पीछे की तरफ ही पड़ता है बहुत सीढ़ियां बहुत सारी हैं और बहुत ऊंची चोटी पर है मदन मोहन जी का मंदिर लेकिन उस मंदिर में मदन मोहन जी नहीं है मदन मोहन जी इस समय है करोली में औरंगजेब के अत्याचारों से उनको राजस्थान भेज दिया गया फिर वो करौली राजस्थान के करौली में आगे उसकी लंबी चौड़ी कहानी है एक लेकिन एक बार की बात है एक बार की मैं सत्य घटना आप लोगों को बता रही हूँ कि मदन मोहन जी की इतनी वैसे तो इतनी प्रसिद्ध कथाएं हैं अपने आप में मदन मोहन जी जो भी आ, मदन मोहन जी की इतनी कथाएं हैं इतनी कथाएं हैं तो कि शायद शायद पूरी रात कम पड़ जाएगी लेकिन शायद मेरी वीडियो खत्म नहीं होगी लेकिन आज मैं आपको काले खां की काले खान की एक सत्य घटना बताने जा रही हूँ एक बार की बात है कि जो काले खान था वो एक जज के नीचे कार्य करता था उसका काम था कि जज जो भी ऑर्डर लिखता था वो ऑर्डर को टाइप करता था और उसको भेज देता था, था एक बार की बात है कि डाकिया आया नहीं होता जज एक संबंध निकालता है और काले खां को काले खां संबंध को टाइप करता है और करोली चले जाता है वो संबंध देने के लिए अब वो सम्बन्ध देने के लिए हर गांव में हर लोगों से पूछता है भैया ये मदन मोहन जी का घर कहाँ पर है मदन मोहन जी का घर कहाँ पे है हजारों लोगों से पूछ लेता है लेकिन सभी लोग मना कर देते हैं अरे इस गांव में तो कोई मदन मोहन रहता ही नहीं है अब एक बूढ़े बुजुर्ग लोग उसको बुलाते हैं इधर आओ क्या नाम है तुम्हारा कहते हैं काले खान कहते हैं काले खान इस पूरे गांव में मदन मोहन केवल एक ही है वो जो लाल पत्थर वाला मंदिर दिख रहा है ना उसमें जाओ वहां पे आपको मदन मोहन मिलेगा काले खान खुश हो जाता है कि चलो इतना थक आने के बाद मदन मोहन जी का घर तो मिल गया मदन मोहन के पास जाता है उस मंदिर में जाता है और देख जैसे ही काले खान की नजर उस काले खा के मदन मोहन जी की चेहरे पे पड़ती है तो कहते नहीं है नैनम मधुरा मधुरम मधुरम कहते नहीं नैनम मधुरम भगवान के नैन इतने मधुर है इतने मधुर है इतने मधुर है कि मैं आपको बता नहीं सकती काले खा मदन मोहन जी का दीवाना हो जाता है अब तो महाराज कोर्ट जाना भूल जाता है लेकिन सुबह भी मदन मोहन जी के दर्शन करता है दोपहर को भी मदन मोहन जी के दर्शन करता है शाम को भी मदन मोहन जी के दर्शन करता है बेशक वो कोर्ट में अपसेंट लगा देता है लेकिन मदन मोहन जी का दर्शन करना नहीं भूलता अब गांव के लोगों को पता चलता है अरे इसका नाम तो काले खान है अरे ये तो मुसलमान है और औरंगजेब ने कितने अत्याचार किए है हमारा ये वाला मंदिर हटा दिया हमारा ये मंदिर गिरा दिया लेकिन इस काले खां को हम अपने मंदिर में प्रवेश क्यों दे, अब सभी पूरे गांव वाले एकत्रित होते हैं और काले खां के विरुद्ध एक मोर्चा निकाल देते हैं कि इस काले खान को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा अब तो काले खां बड़ा बेचैन हो जाता है वो कहता है कि अगर मेरे को प्रभु के दर्शन नहीं मिले तो मैं खाना भी छोड़ देता हूँ वो चुपके से भगवान के मंदिर में जाता है लेकिन पकड़ा जाता है गांव वाले उसे बहुत पीटते हैं और वो अपने घर पर आके बहुत रोता है खाना पीना सब त्याग देता है लेकिन कहता है जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लूंगा ना जब तक मैं अपने मदन मोहन के दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मैं अन्नी का एक दाना ग्रहण नहीं करूंगा और प्रभु की इच्छा देखिए कि जब भगवान के लिए रात्रि के समय भोजन आता है ना तो दो थालियां आती है एक राधा रानी की आती है एक भगवान की एक थाली आती है तो भगवान अपनी माया से एक थाली को छुपा लेते हैं और जो पुजारी जी होते हैं उनकी बुद्धि थोड़ी परिवर्तित कर देते हैं और रात्रि के समय काले खान के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं काले खान दरवाजे बजाते हैं। काले खान वो कहता है, हाँ है, कौन तो कहते काले खां जल्दी से दरवाजा खोलो काले खान दरवाजा खोलता है तो काले खान से बोलते है काले खां ये मैं प्रसादी की थाली तेरे लिए लेके आया हूँ जल्दी से खा लो काले खां कहते हैं मदन मोहन जी वो कहते हैं हाँ मैं मदन मोहन लेकिन तुम जल्दी से ये भोजन खा लो मुझे चार बजे से पूर्व मंदिर भी पहुंचना है अगर मैं चार बजे से पूर्व मंदिर नहीं पहुंचा तो बहुत बड़ी बात बन जाएगी चारों तरफ तमाशा बन जाएगा अब काले खां भगवान को देख के उसके नेत्रों में से इतने आंसू निकलते हैं अब आप सोचो ना अगर आपके पास भगवान खड़े हो तो आपकी खुशी आपका उत्साह आपकी जो खुशी उत्साह होता है ना वो नेत्रों से निकलने लगता है नेत्रों से काले खा के नेत्र भेज जा रहे हैं भगवान कहते हैं अरे बाद में रोना धोना कर लेना पहले प्रसादी पाओ अब मदन मोहन जी प्रसाद अब मदन मोहन जी के कहने पे काले खा प्रसादी पा रहे हैं भोजन को पा रहे हैं लेकिन रोए जा रहे हैं रोए जा रहे हैं इतने में महाराज चार बज चार बजने वाले होते हैं मदन मोहन जी फटाफट फड़ वहां से भाग लेते हैं लेकिन एक गलती कर देते हैं महाराज जिस रास्ते से मदन मोहन जी भागते हैं वहां पे बड़ा सारा कीचड़ पड़ा होता है तो उनका जो भी उन्होंने रात्रि के वस्त्र पहने होते थे उनके दोनों पैर और उनका पीतांबर कीचड़ में सन जाता है सुबह सुबह मंदिर में आ जाते हैं और जैसे ही पुजारी मंदिर में प्रवेश करते हैं पुजारी कहते हैं अरे आज इस मंदिर का प्रवेश द्वार कैसे खुला हो गया पुजारी कहते हैं क्या पता कल कोई भोग की थाली लेने आया हो उसने खुला छोड़ दिया हो जो भी है इतने में पीछे से काले खा आ जाता है और कहता है भगवान जी आए अरे पुजारी जी ये लीजिए प्रसादी की थाली अब पुजाजी जी कहते हैं तुमने प्रसादी की थाली चुराई है तुम चोर हो और काले खां को बहुत मारते हैं बहुत ज्यादा मारते हैं काले खां बोल रहा होता है मैं चोर नहीं हूं मैंने किसी भी प्रकार की कोई चोरी नहीं करी है मुझे स्वयं मदन मोहन जी ने आके भोजन खिलाया है लेकिन उसका कोई भी यकीन नहीं मानता पिटता रहा पिटता रहा और हमेशा एक काले खां पिटता रहा लेकिन एक ही शब्द बोलता रहा कि मदन मोहन जी स्वयं आए थे Isso é, Maiti. काली खां को पीटते पीते पुजारी ने कहा अरे मंगला आरती का समय निकला जा रहा है मंगला आरती के लिए पुजारी जी ने जैसे ही भगवान को स्नान कराया उनके वस्त्र देखे तो भगवान के हाथों में और भगवान के पैरों में भगवान के पीताम्बर में कीचड़ लगा हुआ था पुजारी सारी लीला समझ गए पुजारी ने काली खां को जाके प्रणाम किया है और बोला है कि भगवान का परम भक्त है तू भगवान का पक्का भक्त है तू और वही विग्रह आज भी करोली में स्थित है आप लोग जानते हो जो मदन जी का विग्रह है ना उसकी पूजा वो सतयुग से चला आ रहा है पहले अमरीश जी ने उसकी पूजा की थी महाराज अमरीश जी की कथा तो आप लोगों को पता है ध्रुव जी ने उसकी पूजा करी थी वो ऐसा विग्रह है जो सतयुग से लेकर कलयुग तक तक अभी तक वो विग्रह है और वो विग्रह इतना प्राण प्रतिष्ठित है इतना प्रतिष्ठित विग्रह है आप लोग अगर राजस्थान में जाते हो तो एक बार उस विग्रह के दर्शन अवश्य कीजिए मदन मोहन जी के दर्शन अवश्य कीजिए और कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत राधे राधे हरे कृष्णा हरि बोल